एक अभद्र भाषा का प्रयोग कुमार विश्वास जी द्वारा किया गया एक रैली में, और मुझे लगता है सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी भी भद्र समाज के अंदर उस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि दो बातों से तकलीफ है, मफलर से तो क्या तुम्हारा मफलर खींच लिया, और दूसरा बोले कि बेडरूम वगैरह इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो उसमें हम लोगों का ये कहना है कि किसी भी नेता और किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जनता के नुमाइंदे को उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि समाज में गलत संदेश देती है और गलत मानदंड स्थापित करती है। और लगातार जो उससे भी बड़ा विषय है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी तमाम टीम के लोग इस तरीके की ना केवल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि लगातार एक संदेश दे रहे हैं कि हम एनार्किस्ट हैं, हम कानून का उल्लंघन करते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर हमारे को रेप्रिमांड भी करता है और हमारे खिलाफ कानून भी लाता है और हमारे को कानूनी तौर पर फटकार भी लगाता है तो हम उसको नहीं मानेंगे और लगातार हम उसका उल्लंघन करेंगे। अभी पता चला कि इन्होंने किसी एनडीटीवी के किसी कार्यक्रम में कहा कि मैं इस मामले को लेकर, मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानता और मैं इलेक्शन कमीशन के इस मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा। तो ना तो अभी तक कोर्ट गए हैं, ना कोर्ट का कोई फैसला आया है और ना ही कोई स्टे लगा है, और इस दौरान भी वो अपनी उसी भाषा को प्रयोग कर रहे हैं दूसरे मुद्दों पर कि तुम पैसे ले लो और वोट इसको डालना उसको डालना, यानी देश की जनता को और खास तौर पर राज्य की जनता को ये कहना कि आप सब बेईमान हैं और आप पैसे ले, बाकी पार्टी बेईमान है, इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता। और लगातार जो एनार्किस्ट की फॉर्मेट है कि कायदा कानून हम किसी की मान्यता नहीं रखते, और हम लगातार जो संस्थान है उनको हम चैलेंज करते रहेंगे, उनकी अथॉरिटी को हम चैलेंज करते रहेंगे और भले ही कुछ हो। तो ये दो विषय जो है महत्वपूर्ण है। उसके अलावा वही एक इलेक्शन कमीशन के अफसर नीरज भारती, जिन्होंने मैं अपने आप नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, तो उस एड को काटा था कि आपने माँ गंगा शब्द का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी जी की आवाज में, और वही व्यक्ति ने अब जब मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ वाले एड को केजरीवाल जी के चला दिया। तो इस तरीके की और छोटी बड़ी कई कंप्लेंट्स है, लेकिन मुख्यतः कंप्लेंट जो आज हम लेके गए हैं वो कुमार विश्वास की अभद्र भाषा को लेकर है।